Hello everyone, welcome to my channel Biochemistry for Nursing Students. This video is about classification of lipids. In this, we will see how the lipids are classified and what is the basis of classification of lipids into simple, complex, and derived lipids. How carbohydrate classification? Carbohydrates are classified based on the number of sugar units. शुगर यूनिट्स को लेके हम क्लासिफाई करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को सेम वे अगर लिपिड्स को क्लासिफाई करना है तो दीज आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन कंपोजिशन उसका कंपोजिशन को लेके हम लिपिड्स को क्लासिफाई करते हैं थ्री टाइप्स में सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड डिराइव सिंपल लिपिड्स आर ए टाइप ऑफ लिपिड्स विच कंटेन ओनली ऑल्कहल प्लस फैटी एसिड इसमें दो ही होते हैं ऑल्कोहल और फैटी एसिड सो so, जो भी लिपिड अल्कोहल और फैटी एसिड से बनता है और कुछ भी नहीं उसको हम बोलते हैं सिंपल लिपिड्स। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट इन द सिंपल लिपिड्स अल्कोहल जो भी रहते हैं उसको लेके हम सिंपल लिपिड्स को और सब क्लासीफाई कर सकते हैं फैट्स ऑयल्स सेकेंड होता है वैक्सेस। फैट और ऑयल का डिफरेंस क्या होता है फैट रूम टेम्परेचर में सॉलिड होता है वैस ऑयल्स रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है बस दोनों का कंपोजिशन सेम ही होता है उसमें अल्कोहल लेते हैं ग्लिजरॉल और उसके साथ थ्री फैटी एसिड्स होते हैं एग्जाम्पल्स वेजिटेबल ऑयल्स ग्राउंडनट ऑयल मस्टर्ड ऑयल सनफ्लावर ऑयल ये सभी सिंपल लिपिड्स हैं उसमें क्या होते हैं अल्कोहल प्लस फैटी एसिड और सेकेंड टाइप होता है वैक्सीस वैक्सीस भी सिंपल लिपिड्स हैं क्योंकि उसमें अल्कोहल और फैटी एसिड रहते हैं लेकिन इसमें जो भी अल्कोहल रहते हैं So, that alcohol is a different alcohol, it is not glycerol. It is a different type of alcohol. So, these waxes are classified again into true waxes and other waxes. True waxes they contain high molecular weight monohydric long chain alcohol. For example, cetyl alcohol. Beeswax contains these true waxes. And spermaceti oil. अदर में एक्सेस होता है कोलेस्ट्रॉल एस्टर कोलेस्ट्रॉल एस्टर बनता है कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड से विटामिन ए एस्टर वो बनता है रेटिनॉल प्लस पालमेटिक एसिड से विटामिन डी एस्टर वो बोलते है विटामिन डी और पालमेटिक एसिड से सो so, जब भी हम कोलेस्ट्रॉल एस्टर बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल फैटी एसिड के साथ एक बॉन्ड फॉर्म करते हैं सेम वे विटामिन डी एस्टर बोले तो विटामिन डी के साथ एक फैटी एसिड रहते हैं उसका नाम होता है पालमेटिक एसिड विटामिन ए एस्टर में क्या होता है रेटिनॉल होता है और पालमिटी कैंसि होती कॉम्प्लेक्स लिपिड्स सो नेम सही हमको मालूम हो जाएगा कि दे आर नॉट सिंपल दे आर कॉम्प्लेक्स इसको हम कॉम्पाउंड लिपिड्स भी बोल सकते हैं सो so, कॉम्प्लेक्स और कॉम्पाउंड लिपिड्स आर सेकेंड क्लास ऑफ लिपिड्स जिसमें कंपोजिशन होता है अल्कोहल, फैटी एसिड प्लस एडिशनल ग्रुप्स सिंपल में क्या होता है सिंपल में अल्कोहल, फैटी एसिड बस ये दोनों ही होता है उसके साथ अगर एडिशनल ग्रुप होता है किसी लिपिड में उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आर कॉम्पाउंड लिपिड सो बेस्ड ऑन दैट एडिशनल ग्रुप जो भी एडिशनल ग्रुप रहते हैं उसको लेके हम कॉम्प्लेक्स और कॉम्पाउंड लिपिड्स को सब क्लासिफाई कर सकते हैं लाइक फासफोलिपिट्स ग्लाइकोलिपिड्स एंड लाइपोप्रोटीन्स समझो हम अब फास्फोलिपिट्स लेते हैं फॉसफोलिपिट्स का कम्पोजिशन क्या होता है अल्कोहल प्लस फैटी एसिड प्लस फॉस्फारिक एसिड इधर जो भी एडिशनल ग्रुप है फॉस्फारिक एसिड हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉसफोलिपिट्स सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स लिपिड्स होता है ग्लाइकोलिपिड्स सो नेम इल्फ इंडिकेट्स ग्लाइको ग्लाइकोमीन्स कार्बोहाइड्रेट सो लिपिड्स लिपिट्स कार्बोहाइड्रेट एज एडिशनल ग्रुप सो अल्कोहल फैटी एसिड कार्बोहाइड्रेट है उस टाइप ऑफ लिपिड्स को हम बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स तो तीसरा होता है लाइपोप्रोटीन लिपिड्स प्लस प्रोटीन फॉस्फोलिपिट्स का एग्जाम्पल्स होता है सेफेलिन लेथिन स्पिंगोमाइलिन ग्लाइकोलिपिड्स के एग्जाम्पल्स होते हैं सेरिब्रोसाइट्स ग्लोबोसाइट्स गैंग्लियोसाइट्स और लाइपोप्रोटीन्स का एग्जाम्पल्स होते हैं एच डी एल एल डी एल वी एल डी एल खाइलोमाइक्रॉन्स कमिंग टू थर्ड टाइप अभी हमने देखा सिंपल लिपिड्स, उसके बाद कॉम्प्लेक्स और थर्ड टाइप ऑफ लिपिड्स होते हैं डिराइव लिपिड्स सो नेम इट इंडिकेट्स नेम से ही हमको मालूम हो जाएगा दीज आर डिराइव फ्राम दी सिंपल लिपिट्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिट्स सो जो भी लिपिट्स सिंपल लिपि और कॉम्प्लेक्स लिपिड से डिराइव होता है हम एक सिंपल लिपिट को ले कर उसको हाइड्रोलिस करते हैं और कॉम्प्लेक्स लिक्विड को ले कर उसको भी हाइड्रोलस हाइड्रोलिस इन सिंपल हम सिंपल लिपिड को और कॉम्प्लेक्स लिपिड को ले कर उसको ब्रेक करते हैं जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं वो प्रोडक्ट को हम बोलते हैं डिराइव लिपिड एग्जाम्पल्स होते हैं फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल कीटोन बॉडीज ये सभी को हम बोलते हैं डिराट